तो भाई हमें पता है गौतम गंभीर जो है वो टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं, लेकिन गौतम गंभीर के कई सारे शर्त हैं जो कि एक्चुअल में बीसीसीआई को पूरी करनी है। पहली तो ये है कि जब वो कोचिंग करेंगे तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं और ये सही भी है। हेड कोच जो है वो किसी के दबाव में ना रहे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ वो कोचिंग स्टाफ जो है वो खुद से सिलेक्ट करेंगे, मतलब उनके जो फेवरेट्स होंगे या फिर जो उन्हें लगेगा कि अच्छा है इस टीम इंडिया के लिए तो वो उन्हें सिलेक्ट करेंगे। ऊपर से विराट और रोहित और जडेजा से सीनियर प्लेयर्स जो है उनके लिस्ट में है और आगे हमें पता ही है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है तो इसके अंदर वो जरूर देखने को मिलने वाले हैं। बात ये भी कही जा रही है कि शायद मोहम्मद शमी जो भी इंजर्ड चल रहे हैं उन्हें भी T20 छुट्टी दे दिया जाएगा और वो सिर्फ अब टेस्ट मैचेस और वनडे में दिखाई देंगे, क्योंकि पता ही है कि उनका मकसद टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतने का होगा और वो चाहते हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर जो है रोहित विराट ये सब T20 छोड़ के अब सिर्फ टेस्ट मैच पे ध्यान दें, टेस्ट और ODI पे ध्यान दें। और हमें लगता है कि ये ठीक भी है और नए बंदों को शायद गंभीर जो है वो T20 के अंदर लाते हुए दिखाई देंगे।